गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। पहले आप संज्ञा, लिंग और कई अन्य टॉपिक्स पर अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होता है, किस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अगर वाक्य में ये लिखा हुआ है तो उसको बता सकते हैं कि ये कौन सी क्रिया है, इसमें क्रिया है भी या नहीं, क्रिया हो रही है या नहीं। कहीं बिना क्रिया के तो वाक्य नहीं है, लेकिन एक चीज़ यह है कि बिना क्रिया के कभी भी सार्थक वाक्य नहीं होता। देखते हैं, समझते हैं आज का टॉपिक क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया होती क्या है? तो स्टूडेंट्स, जो भी काम हम करते हैं, किसी काम का करना या होना, वह हमारा क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। किसी काम का करना या होना, कोई भी काम हम कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम भाग रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं वह हमारी क्रिया कहलाती है। यानी कि क्रिया को हम कह सकते हैं कि, परिभाषा के समझ में, परिभाषा के तौर पे हम समझें तो सबसे पहले लेते हैं क्रिया का अर्थ। क्रिया यानी करना। किसे करना? किसी भी काम को, किसी भी कार्य को संपन्न करना हमारी क्रिया करना कहलाता है। यदि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या क्रिया कर रही हूँ? पढ़ाने की। आप मुझे सुन रहे हो तो आपकी क्रिया क्या हो रही है? सुनने की। मैं आपको देखकर पढ़ा रही हूँ, देखने की क्रिया हो रही है। आप मुझे देखकर समझ रहे हो, वीडियो से देखकर समझ रहे हो, तो आपकी भी क्रिया देखने की। आप लिखकर किसी काम को कर रहे हो तो आपकी क्रिया हो रही है लिखना। आप अगर लेटे लेटे मेरा वीडियो देखकर समझ रहे हो तो आपकी क्रिया हो रही है लेटना। अगर आप खेल रहे हो तो आपकी क्रिया है खेलना। और यदि आप इस समय नाच रहे हो तो आपकी क्रिया है नाचना। यानी कि क्रिया को हम कह सकते हैं कि हमारी दैनिक क्रियाकलाप, चाहे उठना है, सोना है, खेलना है, रोना है, नहाना है, खाना है, पीना है, घूमना है, नाचना है, ये सभी हमारी क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिया। यानी कि किसी भी काम को करना, उस काम का पूरा होना ही हमारा क्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मैं लिख रही हूँ, इसमें मेरी क्रिया क्या है? मैं हो गया संज्ञा शब्द। क्रिया क्या काम कर रही हूँ मैं इस समय? लिखने का, और यही मेरी क्रिया है। आप मुझे क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स? सुन रहे हो या वीडियो से देख रहे हो? आप सुन रहे हो, आपकी क्रिया हो रही है सुनना। मुझे देख रहे हो, आप टीवी लिख दो, मोबाइल लिख दो, देख रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है? देखना। आप घूमते हुए देख रहे हो तो घूमना भी क्रिया है। आप खाते हुए देख रहे हो तो खाना भी क्रिया है। यानी कि दैनिक जीवन में हम जो भी काम करते हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या, सुबह से लेकर जब हम बिस्तर से उठते हैं, उठना, उसके बाद में आप ब्रश करने जाते हो तो दांतों को मांझना,
नहाते हो तो नहाना, खाना खाते हो तो खाना, अगर खाना बनाते हो तो खाना बनाना भी, घूमना भी, खेलना भी, कूदना भी, नाचना भी, रोना, सोना, दौड़ना, भागना, हंसना, पीना, ये सभी क्रियाएं कहलाती है। यानी कि दैनिक जीवन में हम जो भी काम करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, वही हमारी क्रिया होती है। और सीधे अक्षर में, सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करने का बोध पता चले, वही क्रिया कहलाती है। परिभाषा के रूप में देखिए, किसी कार्य का होना या करना हमारी क्रिया क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का होना या करना पता चले, जिन संज्ञा शब्द कह सकते हो, या जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का होना या करना करने का बोध हो या पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। हम ही क्रिया नहीं करते, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी का उड़ना भी क्रिया है। बच्चे नाच रहे हैं, वह भी क्रिया है। पक्षी दाना चुग रहे हैं, दाना खा रहे हैं, खाना चुगना यह भी उनकी क्रिया है। बंदर पेड़ से कूद रहे हैं, तो उनकी क्रिया क्या हो रही है, कूदने की, तो कूदना भी एक क्रिया है। तो उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण देखिए क्रिया के। परिभाषा से हमने समझा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। क्रिया कौन सी होती है, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, पीना, जाना, रोना, किसी व्यक्ति का हंसना, घूमना, भागना, रोना, पीना, सोना, खाना, बैठना, घूमना, भागना, नाचना आदि। यानी कि दैनिक दिनचर्या में हमारे होने वाले सारे कार्य हमारी क्रिया कहलाती है। एक बात ये देखने की, यदि मैं वाक्य लिखूं और उसमें क्रिया नहीं हो तो क्या वह वाक्य सही है? जैसे मैंने लिखा, उदाहरण देखिए, पक्षी है, क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? पक्षी है, पक्षी क्या है, कुछ अर्थ पता ही नहीं चल रहा। हाँ, अगर मैं लिखती हूँ,
पक्षी उड़ रहे हैं। इस वाक्य से आपको पता चल रहा है कि पक्षी कोई क्रिया कर रहे हैं, पक्षी कोई क्रिया कर रहे हैं और वह क्रिया हो रही है उड़ने की, यानी कि पक्षी उड़ रहे हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम लेंगे, सीमा रही, सीमा रही है। सीमा क्या रही है, क्या उत्तर मिला आपको? अरे नाच रही है, खा रही है, रो रही है, हंस रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। लेकिन हाँ, यदि हमने इस वाक्य को इस तरीके से लिख दिया, सीमा नाच रही है, तो हमें पता चला कि सीमा क्या काम कर रही है, नाचने का काम कर रही है, यानी कि उसकी क्रिया क्या हो रही है, नाचने की हो रही है। इसी जगह हम अगला उदाहरण देख के समझ सकते हैं, राम, अब मैंने सीधा लिख दिया रहा है, क्या रहा है, कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो हम लिख सकते हैं राम खेल रहा है। तो क्या हो गया, क्या क्रिया मिली हमें, खेलने की क्रिया मिली, यानी कि राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, कोई ना कोई कार्य हो रहा है, वो किसी ना किसी कार्य से किसी ना किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, वो कोई ना कोई कार्य कर रहा है, उसकी कोई ना कोई क्रिया चल रही है, वो कोई ना कोई कार्यकलाप कर रहा है। और खेलने का काम है तो खेलना, उड़ना, नाचना, पीना, खाना, जाना, रोना, सोना, हंसना, भागना आदि सभी क्रियाएं कहलाती है। इस तरीके से हमने क्रिया में समझा, किसी कार्य का होना या करना क्रिया पाया जाता है। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने का बोध हो, किसी कार्य को करने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया उदाहरण देख सकते हैं कि क्रिया कौन कौन सी होती, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, पीना, जाना, रोना, हंसना, भागना। उदाहरण में हमने देखा पक्षी उड़ रहे हैं, इसका मतलब पक्षी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उड़ने की। सीमा नाच रही है, उसका काम क्या हो रहा है, नाचने का। राम खेल रहा है, उसका क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में या दैनिक दिनचर्या में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से जो काम करता है वह क्रिया कहला रही है। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना मेरी क्रिया है। आप मुझे सुन रहे हो, आपका सुनना क्रिया है। आप मुझे देख रहे हो, आपका देखना क्रिया है। मैं पढ़ाते पढ़ाते घूम रही हूँ, मेरा घूमना भी एक क्रिया है। मैं पढ़ाते पढ़ाते लिख रही हूँ, तो मैं लिखना प्लस घूमना प्लस देखना आप लोगों की ओर, मेरी तीनों ही क्रियाएं चल रही है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो लिखना भी क्रिया चल रही है। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे वाक्य का सही अर्थ जब ही निकलेगा जब हमारे वाक्य में क्या होगी, क्रिया होगी। आप ऐसे भी जानते हैं कि जब तक किसी वाक्य का सार्थक अर्थ नहीं निकलता, वह वाक्य सार्थक वाक्य या सार्थक कोई शब्द हम लिख रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वह भी सार्थक शब्द नहीं कहलाता। इसलिए यदि हम उचित क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे या क्रिया का प्रयोग ही नहीं करेंगे, तो वह हमारी क्रिया नहीं कहलाएगी, वह हमारा क्रिया वाला वाक्य नहीं कहलाएगा, वह हमारा सार्थक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसलिए हमारे वाक्य में, हमारे वाक्य को समझने के लिए, किसी को समझाने के लिए, अपनी बात को किसी को बताने के लिए कि वह उड़ रहा है तो ही वह समझ सकता है कि उड़ रहा है, अरे वह है, वह क्या है, खेल रहा है, उड़ रहा है, दौड़ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कुछ तो आप उसे समझाएंगे। और यदि आप किसी न किसी क्रिया का उसको समझाने के लिए
उसे बताने के लिए उपयोग करते हो वही हमारी क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया श्याम रहा है, नेक्स्ट मैंने लिख दिया सीता सीता किताब यदि मैं कहती हूँ कि यहाँ पर कोई खाली जगह नहीं है और आपको इस वाक्य को लिखना है श्याम रहा है, श्याम क्या रहा है? क्या आपको यहाँ कोई क्रिया नज़र आ रही है? श्याम है, रहा है, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? मैं अगर आपको कहती हूँ कि बच्चों श्याम रहा है, अरे मैम आपने ये क्या बोला? श्याम रहा है, क्या रहा है? श्याम खा रहा है या पी रहा है या रो रहा है या लिख रहा है या सो रहा है या गाना गा रहा है या घूम रहा है या नाच रहा है या दौड़ रहा है या भाग रहा है? अरे कुछ ना कुछ तो यहाँ क्रिया का प्रयोग होगा, तो मैं लिख सकती हूँ श्याम नाच रहा है, मैं लिख सकती हूँ श्याम घूम रहा है, मैं ये भी लिख सकती हूँ कि श्याम लिख रहा है, मैं ये भी लिख सकती हूँ श्याम पढ़ रहा है। यानी कि मैंने किसी न किसी क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया, किसी न किसी क्रिया का प्रयोग किया अपने वाक्य को समझाने के लिए, अपने वाक्य को बताने के लिए। यदि अगर मैं आपको ना बताऊं कि श्याम रहा है, क्लास में मैं पढ़ाने आती हूँ, आपको बोलती हूँ देखो बच्चों श्याम रहा है, आप देखेंगे क्या कर रहा है, तो समझ में नहीं आया मैम श्याम रहा है ये क्या वाक्य बोल दिया आप, नहीं श्याम देखो बच्चों श्याम नाच रहा है, कितना अच्छा नाच रहा है, कितना सुंदर नाच रहा है, कितना अच्छा लिख रहा है, कितना अच्छा पढ़ रहा है। तो मैंने अगर क्रिया का प्रयोग किया तो आपने देखा कि हाँ श्याम नाच रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट उदाहरण देखिए आप, सीता किताब रही है, सीता किताब रही है, मैम आपने क्या बोला समझ में नहीं आया सीता किताब रही है, क्या मतलब है इसका? अरे सीता किताब रख रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, क्या कर रही है? तो मैंने बोला सीता किताब पढ़ रही है, मतलब हो गया कि हाँ सीता के हाथ में किताब है या उसकी बेंच पर किताब है और सीता उस किताब को क्या कर रही है, रीडिंग लगा रही है, उसको स्टडी कर रही है, उसको पढ़ रही है। तो हमारी किताब को पढ़ना ही हो गई हमारी क्रिया। इस तरीके से किसी कार्य का होना करना जिन शब्दों से पाया जाता है वे हमारे क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया कौन कौन सी होती है, तो क्रिया हम बता सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी काम करते हैं, चाहे उठना हो, बैठना हो, सोना हो, खाना हो, पीना हो, रोना हो, दौड़ना हो, भागना हो, पढ़ना हो, नाचना हो, उड़ना हो, खेलना हो, जितनी भी हम काम करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे पूरे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमने काम किए वही हमारी क्रिया कहलाती है। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके थैंक यू।